हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। आज का अपना टॉपिक है राम मंदिर पर आधारित जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप भी एसएससी, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या फिर कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज मैं आपको ऐसे 20 प्रश्न बताऊंगा जिसमें से 2 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक है राम मंदिर पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। क्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? देखो ऑप्शन में है 161 फीट, 160 फीट, 170 फीट और 171 फीट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 161 फीट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अयोध्या राम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ये तो हम सभी को पता है कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है अयोध्या किस जिले में स्थित है। देखो ऑप्शन में आजमगढ़ जिले में, बरेली जिले में, अयोध्या जिले में या फिर फतेहपुर जिले में। तो अपना कौन सा हो जाएगा? अयोध्या जिले में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अयोध्या जिले में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था। क्या श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया गया था? 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। तो ए सही हो जाएगा इसका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, राम मंदिर में कितने खंभे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम मंदिर में 392 खंभे हैं। इसको भी आपको याद रख लेना कि राम मंदिर में 392 खंभे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। देखो ऑप्शन में पीओ सोमपुरा, बांदा सोमिया, बीवी दोषी और चंद्रकांत सोमपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रकांत सोमपुरा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि की होगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि की होगी। देखो ऑप्शन में 15 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 और 26 जनवरी 2024। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, वो किस तारीख को होगा? 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या सेरयू नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.77। अयोध्या विवाद 2.77 एकड़ जमीन पर था, है ना। तो इसको भी इंपॉर्टेंट समझ लेना आप। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अयोध्या में स्थित मस्जिद का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबरी मस्जिद। जो अयोध्या में मस्जिद स्थित है उसका नाम है बाबरी मस्जिद, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लेना। भगवान श्री राम की लंबाई कितनी है।
भगवान श्री राम की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 फीट। भगवान श्री राम की लंबाई 7 फीट है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजाबाद। अयोध्या का प्राचीन नाम था फैजाबाद, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में गिराया गया था, ठीक है। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में गिराया गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, पीवी नरसिम्हा राव। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है अपना, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है, ये तो हम सबको ही पता, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 17 है, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले कब? नंबर 17 क्या है, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला कब आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9 नवंबर 2019 को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, राम मंदिर में कितने रुपयों का बजट स्वीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800 करोड़ रुपए का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लेना, ये तो छपा छपाया मिलेगा बिल्कुल आपके पेपर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली में, राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे? अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या राम मंदिर में 3 मंजिल होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कितने मंजिल होंगे? 3, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।